कि जो वीडियो आपने देखा अभी पैर बचा के उस वीडियो में यही वो शख्स जो शराब माफिया का झोरा छीन लिए, जो दारू बेचने के लिए ले जा रहा था और उस दारू को पकड़ करके पुलिस को दे दिए कि सर कार्रवाई कीजिए। यही इनकी गलती थी जिस वजह से इनके पूरे परिवार पर आज जान का खतरा बना हुआ है। किस समय इसको पुलिस झूठे केस में फंसा कर गिरफ्तार कर ले दलसिंह सराय थाना, और किस समय इनको जान से मार दिया जाए उस शराब माफिया के द्वारा। ये लोग हर समय जो है सो ये युवा डरा हुआ है, जिसको 5 साल 6 साल पहले जाके दिल्ली में रिक्शा चलाता था वो अभी इतना पैसा वाला बन गया, इतना पैसा वाला, और समझता कि पूरा टोला को फूंक दे नहीं तो अपने कंट्रोल में रखे। अब हम लोग के पास दो ही ऑप्शन बचा हुआ है, या तो आत्महत्या कर ले और नहीं तो अपना घर को छोड़ बार के कहीं और दूसरी जगह बस जाए। दोस्तों शराब माफिया से एक पढ़ने वाला युवा जो आर्मी की तैयारी करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, वो लोग अपना मोहल्ला घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। दोस्त ये लोग चैन से नहीं जी सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन इनके मोहल्ला में लोग शराब खरीदने के लिए आते हैं, शराबी आते हैं, दारू पीने के लिए आता है, पुलिस भी आती है, पत्रकार भी आता है, सब दारू खरीदता है, दारू बेचवाता है, और ये शरीफ लोग यहाँ पर नरकीय जीवन गुजार रहे हैं, डर के साए में गुजार रहे हैं। क्या बोल रहे थे आप? हम बोल रहे थे यही कि कल हम इसका साथ दिए, जब कल इसका हम साथ दिए जैसे ही पकड़ा तो हम इस पर बोल दिए कि एकदम अच्छा काम किया, जिसके लेके वो बार बार बोल रहा है कि मैं 4-5 आदमी को ऐसा फंसाऊंगा जिसका जवाब नहीं। दारू बेचने वाला? जी हाँ, दारू बोलने वाला, और प्रशासन के साथ में आज सुबह में प्रशासन को खुद फोन करके बुलाया और पीछे से मेरे बारी में दारू प्रशासन को दिया और बोला कि यही अजीत कुमार का घर है, इसमें छापा मारिए और फन्ना जगह रखा हुआ वहाँ से उठा के लाइए। तो मेरे पास अगर दारू था तो प्रशासन कैसे जानती है कि फन्ना जगह दारू रखा हुआ है, और वो उठा के ला के और मेरे को फंसाने के एकदम पूरा पावर लगा दिए कि नहीं तुम ही बेचता, जबकि पूरा दलसिंह सराय प्रशासन जान रही है कि ये दारू सिर्फ एक ही 5 वार्ड में बेचता है, वो संजय कुमार सोनी है। और दोस्तों दलसिंह सराय में किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिएगा कि दलसिंह सराय में कौन दारू बेचता है तो नाम बता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये लहरिया बाजार की बात नहीं है दलसिंह सराय में, जहाँ भी आप देखिए पूरे अनुमंडल क्षेत्र में, जिला में, हर एक जगह पर यही स्थिति है। पुलिस शराब माफिया से पैसा लेती है, दारू बेचवाती है, कमीशन खाती है। दोस्तों 5 साल पहले जो शख्स रिक्शा चलाता था आज उसके पास 5 करोड़ की संपत्ति है, और उस करोड़ में से लाखों रुपया का महीना दलसिंह सराय थाना को जाता है, और थाना उनसे पैसा लेकर के इन जैसे मासूम लोगों को उल्टे फंसा देती है। एक महिला है, पुलिस क्या बोल रहे थे, पुलिस पैसा लेने आती है? जी पैसा ले ला, घर में घुस जाए, पैसा लेकर चल जाता है, कहता है कि खोजने के लिए गए कुछ मिलवे नहीं करता है, तो खोज कर हम चल जाते हैं, पैसा लेने के लिए आता है। 1 लाख 1.5 लाख महीना लेता है। एक से 1.5 लाख का महीना देता है, करीब समझिए कि करोड़ों का कारोबार वो शराब का करता है। पूरे दलसिंह सराय में शराब बेचता है, यहाँ के थाना प्रभारी और पुलिस की मिली भगत, यहाँ तक कि लोग बोल रहे हैं कि थाना में भी दारू का सप्लाई करता है। और ये सब गरीब लोग हैं, और ये लोग जब फोन करते करते थक जाते हैं, कभी कभी पुलिस आती है छापेमारी के नाम पे, उसके घर पे जा करके पैसा ले लेती है और फिर वापस चल जाती है, गिरफ्तार नहीं करती। हाँ बापरे तूफान करते हैं, एकदम मार पीट दंगा फरसात करे लग, ये करे ओ है दारू बेचे छे से मार के तंग करे, तो बहुत तंग करे छे, जी बहुत तंग करता है सर, इतना तंग करता है कि हम लोग हरिजन है सोचता है कि तुम लोग के फूंक देंगे, आग लगा देंगे, पीछे में तुम लोग के बम रख देंगे। सोचिए एक मोहल्ला है गरीबों का, और ये लोग मेहनत मजदूरी करते हैं दलसिंह सराय बाजार में, और ये लोग चैन से अपनी जिंदगी जीते हैं,
कमाते हैं खाते हैं, लेकिन सोचिए इन लोगों की संख्या हजारों में है, लेकिन एक शराब माफिया और एक थाना को मैनेज करके ये हजारों लोगों को डर के साए में दल दल से थाना थाना कोई मेहना ना करे छे केकरो ना कोई मेहना ना एकदम कुछ नहीं करता है दल सिंह साहब का थाना। अभी का बात बताते हैं, हमको कुछ देर पहले कोई लड़का फोन किया अपने दोस्तवा, बोलता है तुम पे झूठा केस हो गया है कोई लेडीज के द्वारा जो कि यही करवाया है, लेकिन इसका नाम नहीं आएगा। जो दारू का विरोध कर देगा उसके घर में छापामारी होगा, उसके बाद उल्टा फंसा देगा। जी जी जी, हमको तो यही लग रहा है। मेरा दो दिन से तीन, क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार शाह है, जो कि दारू पकड़वाए। तीन दिन से मेरा 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 जो है नरक बना दिया है, मेरा जन्म को मेरा नरक बना दिया है कि हम किस लिए पैदा लिए हमको समझ नहीं लगता। यही दारू माफिया सबको पकड़ने के लिए पैदा लिए थे। 2014 में आर्मी का बहाली निकाले हुए, मतलब आर्मी का दौर निकाले, बस यही कारण से मेरा आर्मी में बहाली नहीं हो सका था टैटू के कारण। सोचिए दोस्तों, जो आर्मी बनना चाहता है, दौर निकाल लिया, समाज के लिए काम करना चाहता है, देश के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन भ्रष्ट थाना और शराब माफियाओं ने इन लोगों को जीने लायक नहीं छोड़ा है इनको अपने घर में। दोस्तों ये अपने घर के अंदर भी चैन से नहीं जी सकते हैं, रात में भी हमको उठ के रहना पड़ता है, कहीं मेरे बारी मेरे पिछवत्ती में दारू ना फेंक दे और फिर पुलिस को कॉल करके बता दे कि उसके बारी में, जैसे कि इन्होंने बताया आपको कि मेरे बारी में मिला। उसी तरह हम लोग को भी रात में जाग जाग के रहना पड़ता है क्योंकि बारी खुला हुआ है, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि हम पूरा बाउंड्री करवा लें। समस्तीपुर जिला के SP साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी हम दल सिंह सराय में हैं और ये पूरे मोहल्ला के लोग हैं। बहुत सारे लोग डर से कैमरा के उस तरफ करे हैं और कुछ लोग घर के अंदर करा। एक शराब माफिया है इनके मोहल्ला में जो दारू बेचता है, गुंडागर्दी करता है और थाना को मैनेज करके इन लोगों को डराता है, धमकाता है, और जो लोग उस माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके घर के पीछे में शराब का बोतल फेंक करके और दल सिंह सराय थाना को शराब माफिया बुला करके इन लोगों को उल्टे फंसा दिया जाता है। दोस्तों कानून ही कानून की अवहेलना कर रहा है। दोस्तों थाना प्रभारी पैसा लेकर के शराब माफिया के साथ मिल करके अपराधी की भूमिका में इन गरीबों को तंग कर रहे हैं। दोस्तों इन लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दोस्तों एक चाचा जी हैं यहाँ पर, क्या चाचा जी क्या स्थिति है, क्या बोल रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि अब कैसे जीवन प्रतिपाल होगा, दिन रात जो है सो प्रशासन की दौड़ावाही शुरू रहता है, जो भी हम लोग धंधा करते हैं डर के मारे भाग जाते हैं और निर्दोष सबको वो लोग फंसा देता है, कहता है कि तुम लोगों को चैन से नहीं जीने देंगे, हमारा सपोर्ट में नहीं रहेगा तो तुमको अपहरण करके गोली मरवा देंगे पूरा। दारू माफिया बोलता है? हाँ हाँ, गोली मरवा देंगे। हमको तो ऐसे बोला गया ना, हमको तो बोला गया तीन दिन का हमको मोहलत दिया है कि तीन दिन के अंदर तुमको, तुम्हारे छोटका भाई को और तुम्हारे बाप को नहीं गोली मरवा दिए तो मेरा नाम बदल देना। पुलिस कुछ नहीं कर, पुलिस क्या करेगी सर, पुलिस क्या करेगी? पुलिस किया नहीं कुछ, नहीं कहा था कि तुमको हम बेचवा देंगे, तुम ज्यादा है कमाने के लिए उधर गोली मार के तुमको फेंक देंगे। पुलिस कहता है? नहीं वही कहता है जो पुलिस कार्रवाई काहे नहीं करता, कार्रवाई ना कहे उसका। हाँ उससे पैसा लेता है सर, अपन देख के चल जाता है, कुछ करवे ना करता है उसको, कुछ नहीं करता है सर। दोस्तों ये दल सिंह सराय का लहरिया बाजार है और हम सभी लोगों से अपील करेंगे, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ये सब महादलित समाज के हरिजन हैं, महादलित समाज लोग हैं, और एक शराब माफिया एक दल सिंह सराय थाना को मैनेज करके इन लोगों का जीना हराम करके रख दिया है। दोस्तों ये लोग ना चैन से जीते हैं ना मरते हैं, हमेशा इस डर में रहते हैं कि कब दल सिंह सराय थाना आएगा और दो चार बोतल इनके घर में फेंक करके इन लोगों को ही शराब माफिया घोषित कर देगा। दोस्तों सब लोग मदद कीजिए इन लोगों का, वीडियो शेयर कीजिए ताकि नीतीश कुमार जी को भी पता चले कि जो शराब माफिया महिला सुरक्षा के लिए इन्होंने लागू किया था, आज महिला यहाँ पे खून की आंसू रो रही है, थाना प्रभारी को मैनेज करके शराब माफिया इन महिलाओं का शोषण करवा रहा है। दोस्तों ये लोग डरे हुए हैं, इन लोगों की मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सर तो ये बोलता है कि दारू बेचता है, उसके बाद इनको गाड़ी घिन घिन के प्रशासन भी देता है, जाता है पुलिस, पुलिस महिला, हाँ महिला के कहा कि आज सुबह में जब पुलिस आई तो वहाँ पर बोली महिला सब की, बाबू ये दारू नहीं बेचता है, जो दारू बेचता है उसके यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? तो पुलिस वाला ने भद्दा भद्दा गाली देता है सबको और कहता है मादर चोद बहन चोद तुम बेचता है और तुम्हारे घर में जाएंगे, हमको फोन मिला है और जो व्यक्ति बुलाया उसके साथ में खड़ा है, दारू को माफिया बेच रहा है वो उसके साथ में, प्रशासन के साथ में खड़ा है।
और कहता है चोर बोले जोर से कहता है पुलिस। आज सुबह में पुलिस आई और इनको ही गाली बक्के गई है। आपको पुलिस गाली जी सर, रणदीप भोसरी का कहा कि से आपको पति कहाँ है, आपके यहाँ नहीं है सर, गए पटना, यहाँ नहीं काम करता है। कौन गाली भोसरी रणदीप फल्ला चिल्ला सब बाती भागा यहाँ गाली देता है बोल ना, गाली बकना चाहता कि हम कैमरा के सामने नहीं बकना चाहते हैं। बहुत गंदा गाली सर देते हैं, एकदम गंदा से गंदा देते हैं सर। समस्तीपुर जिला है ये और एसपी साहब ये बूढ़ी हो चुकी है, इनके परिवार में 3 जनरेशन के लोग हैं, लेकिन जब ये शराब माफिया की शिकायत करते हैं थाना प्रभारी को दलसिंह सराय में, तो थाना के लोग आ करके इन्हीं लोगों को गंदा गंदा गाली देते हैं, इनके पति को लगा के, बेटा को लगा के, बेटी को लगा के। बताइए ये लोग कहाँ जाएंगे, पकड़वा देव तोरे उठवा देव ट्रैफिक। हाँ सर, कहता है कौन चीज आपकी तोरे पकड़वा देव, तू बहुत तू गाड़ी बाकी छी तोरे थाना में बंद कर। दोस्तों नजायज दारू बेचिए और थाना को पैसा दीजिए, थाना आपकी मदद करेगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये युवा है और ये परेशान है, पीड़ित है, प्रताड़ित है और इनको जान से मारने की धमकी दी गई है और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं और सब लोगों से अगर चौधरी रुक जो तरह रंडी में नाम लिखा दिलिया होने आ तोरा देखी चार गो के लहास फुकवा आज जाय बिहान तीन शराब माफिया। हां शराब माफिया में ओकर पिताजी की नाम छे, ओकर पिताजी के अशोक शाह, अशोक शाह ओकर की नाम छे, ओके नवीन शाह। मोहल्ला कोन बोले, लहरिया बाजार, लहरिया बाजार गली वार्ड नंबर 5। पूरा एड्रेस सुन लिए होंगे दोस्तों, पूरा मामला समझ में आ गया होगा, लेकिन समस्तीपुर जिला के पुलिस प्रशासन को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो शराब माफिया कमीशन देता है वो थाना से होते हुए डीएसपी साहब के टेबल से गुजरते हुए शायद एसपी साहब के टेबल तक भी पहुंचता होगा, इसीलिए एसपी साहब ये सारा दृश्य देख करके भी अंधे बने हुए रहते हैं और यहाँ समाज के लोग ये सब लोग यहाँ पे डर के साए में जीते हैं, खौफ के साए में जीते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों शराबबंदी कानून ने आम लोगों का जीना मुहाल करके रख दिया है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।